रिंकी और टिंकू की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली थी और दोनों ने पिताजी से जिद करी कि उनको वो चमचमाती लाल साइकिल चाहिए जो उन्होंने एक मॉल के बढ़िया से शोरूम में देखी थी। तो जरा पता करें ये साइकिल किसको मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति और बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं इसी के ऊपर एक कहानी आप सब लोग के लिए लेकर आई हूँ। रिंकी और टिंकू जुड़वा भाई बहन थे जो कक्षा 5 में पढ़ते थे। उनकी वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक आ रही थी और पिताजी से उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी कक्षा में प्रथम आएगा उसको वो चमचमाती लाल साइकिल मिलेगी, क्योंकि पिताजी के पास सिर्फ एक ही साइकिल का बजट था। अब दोनों परीक्षा की तैयारी में लग गए। रिंकी जो बहुत मेहनत करती थी वो पूरा चैप्टर शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े जा रही थी। टिंकू ने शॉर्टकट अपनाने की सोची। उसने सोचा क्यों ना मैं सिर्फ आखिरी के क्वेश्चंस करूं और उनको रट के जाकर पेपर दे आऊं। रिंकी जो पूरे दिन मेहनत करती, टिंकू उसको आकर बोलता, अरे रिंकी ये प्रश्न मत कर, कभी शर्मा सर इन प्रश्नों को पूछेंगे नहीं, मुझे पता है वो हमेशा से आखिरी के प्रश्न पूछते हैं। पर रिंकी ने टिंकू की एक बात ना मानी। भैया मैं तो पूरा ही चैप्टर अच्छे से पढ़ूंगी, मुझे शॉर्टकट नहीं अपनाना है, टिंकू हाँ करके और भाग जाता। परीक्षा का दिन भी आ गया। दोनों बच्चे परीक्षा देने पहुंचे। वहां जैसे ही पेपर उनको टीचर ने पकड़ाया, रिंकी प्रश्न पत्र देखकर खूब खुश हुई, क्योंकि शर्मा सर ने बीच में से ही सारे प्रश्न सेट कर रखे थे। टिंकू वहीं प्रश्न पत्र देखकर उसकी हवाइयां उड़ गई, क्योंकि उसको 2 या 3 प्रश्न के अलावा और कुछ याद ही नहीं था, क्योंकि उसने बीच का चैप्टर पढ़ा ही नहीं था। उसका मुंह रुआंसा हो गया। जहां रिंकी लिखने में लगी हुई थी वहां टिंकू का पेपर आधा घंटे पहले खत्म हो गया। घर आकर वो बहुत उदास हुआ। परीक्षा का जिस दिन परिणाम निकलने वाला था, पिताजी साथ में स्कूल पहुंचे। वहां रिंकी का प्रश्न जब उन्होंने परिणाम देखा तो देखा वो प्रथम आई है अपने स्कूल में और टिंकू पीछे रह गया। तो रिंकी ने टिंकू को बोला, देखा भाई मैंने कहा था ना, अगर आप चैप्टर बहुत अच्छे से पूरा पढ़ोगे तो आप भी फर्स्ट आ सकते थे। टिंकू ने बोला, हाँ मुझे बात समझ आ गई, मैंने शॉर्टकट लिया तो इसीलिए मैं पीछे रह गया। और पिताजी ने दोनों बच्चों को गले लगाया और रिंकी को उसकी चमचमाती लाल से साइकिल दिलाने के लिए चल पड़े मॉल। तो ये थी मेरी आज की कहानी। तो बच्चों अब आपकी परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं या कुछ बच्चे अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो आप कौन सा मेथड अपनाएंगे, शॉर्टकट या सारा पढ़ के जाएंगे? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, फिर मिलेंगे।